कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं तो एकदम बढ़िया हूँ, क्योंकि बढ़िया तो होना ही है क्योंकि लाइट आ गई और 4 दिन बाद फाइनली लाइट आ चुकी है। क्योंकि कल भी आई थी लेकिन कल थोड़ी सी आई, उसके बाद फिर चली गई, फिर से वही प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन आज जो है आज बिल्कुल फाइनल आ गई है। तो देखिए, मैं गई थी मार्केट और मार्केट गई थी मैं बिकॉज मुझे थोड़ा सा शॉपिंग करनी थी। और देखिए, मैंने पहना था ये रेड कलर का सूट और ये मेरा बहुत पुराना सूट नहीं है, मतलब अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है बनवाया है, ये मैं पहन नहीं पा रही थी काफ़ी टाइम से, क्योंकि ना मतलब बस ऐसे ही बस ध्यान ही नहीं रहता था। तो और फिर जाना कहीं जाना भी नहीं पड़ रहा था क्योंकि गर्मियाँ बहुत है, तो गर्मियों में निकलना नहीं हो पा रहा है। तो लेकिन आज मार्केट गई थी तो मैंने सोचा चलो यही पहन लेती हूँ। फिर मैं मार्केट गई तो मार्केट से मैंने कुछ शॉपिंग की, और शॉपिंग की थोड़ी सी क्या मतलब सही की है, काफ़ी की है। गर्मियों के लेने थे कपड़े, बच्चों के लिए भी लोअर टी शर्ट लेने थे, अपने लिए भी, हस्बैंड के लिए भी लेना ही था क्योंकि अब गर्मी आ गई है। गर्मियों में पता है क्या, जैसे लोअर टी शर्ट तो काफ़ी सारे हैं लेकिन उसका मतलब ये है कि जैसे बच्चों की अब छुट्टियाँ पड़ गई हैं तो बच्चियों की वेकेशंस है, तो वेकेशंस पे बच्चे नहा कर मॉर्निंग में ही ना लोअर टी शर्ट पहन ले रहे हैं और कुछ पहनना नहीं चाह रहे, ये नहीं मतलब कोई मतलब ना जीन्स ना कुछ भी नहीं पहनना चाह रहे हैं बच्चे। बच्चों को ये चाहिए कि हमें खुला खुला चाहिए लोअर टी शर्ट, ठीक है। तो क्या फिर वो थोड़ा सा दिन के टाइम अच्छे नहीं लगते ना, थोड़ा सा अच्छे नए नए होने चाहिए, तो इसलिए मैं लेकर आई हूँ लोअर टी शर्ट बच्चों के लिए और अपने लिए भी और हस्बैंड के लिए भी। तो चलिए मैं आपके साथ आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये है मेरी शॉपिंग जो मैं करके आई हूँ, और हस्बैंड भी गए थे मेरे साथ लेकिन मैंने वहाँ का कैप्चर नहीं किया बिकॉज उसका रीज़न ये है कि अच्छा नहीं लगता और फिर धूप बहुत हो रही थी, मेन चीज़ ये थी कि धूप हो रही थी तो इसलिए मैंने नहीं कैप्चर किया वहाँ का। और फिर ना मार्केट में भीड़ इतनी थी तो मतलब मास्क लगा के गए और तुरंत तुरंत जल्दी जल्दी आ गए। अभी तक मेरे हस्बैंड का कहना है कि मार्केट भी जाओ या कहीं भी जाओ तो लेकिन मास्क लगा के जाओ। तो बस फिर गए और आ गए, और देखिए मेरी एक पॉली गिर भी गई। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। ओके ओके फ्रेंड्स, तो मैं चलो आपको दिखाती हूँ अपनी शॉपिंग कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की है। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ कि मैंने पावनी के लिए क्या लिया है। तो पावनी के लिए देखिए, सबसे पहले मैं दिखाती हूँ ये देखिए, ये है ब्लू कलर का टी शर्ट है, टी शर्ट टाइप का है, टी शर्ट ही है, और टी शर्ट के साथ ये देखिए ये है प्रिंटेड कैप्री। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, देखिए बहुत प्यारा सा कॉम्बिनेशन है। ये वाला जो है ये कुछ इस तरीके से आएगा, ये देखिए ये कुछ इस तरीके से आएगा और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, प्योर कॉटन में है, अच्छे लग रहे हैं कपड़े, तो पहनने में भी गर्मी में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और एक ये हो गया, और एक देखिए एक ये हो गया रेड कलर में, तो ये रेड कलर की टी शर्ट है, उसके साथ ये पिस्ता कलर की कैप्री। मैंने कैप्री ही इसलिए ली क्योंकि कैप्री ना गर्मियों में ठीक लगेगी और लोअर उसके पास ऑलरेडी काफ़ी सारे हैं, तो मैंने इसलिए ली। एक ये हो गया कैप्री वाला रेड और पिस्ता कलर का, दो हो गए। और एक मैंने लिया है ये देखिए, ये लाइट शेड में है, पीच सा कलर है, पिंक और पीच का मिक्स सा कलर है, पिंकिश पिंकिश। और साथ में ये देखिए पर्पल कलर की, ये थोड़ा सा लोअर में ही आ गया समझ लीजिए, थोड़ा सा लॉन्ग में है क्योंकि इसके नीचे ये इसी मैचिंग की पट्टी लगी हुई है। तो एक ये हो गया पावनी का, पावनी के 3 सूट हो गए, 3 एक उसने पहन लिया है आते ही और उसे कंट्रोल नहीं हुआ, आते ही उसने बस पन्नी ऐसे करके फाड़ी और उसने पहन लिया जैसे हम लोग बचपन में करते थे, जब भी मम्मी नई चीज़ लेकर आती थी, कोई भी नया कपड़ा लाती थी तो ऐसे ही होता था, ये लगता था बस जल्दी जल्दी फटाफट पहन लो, पहन के देखो कैसा लग रहा है। तो वही चीज़ पावनी ने की है और एक सूट उसने पहन लिया, ये 4 हो गए पानी के। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि सृष्टि के लिए क्या लेके आई हूँ। देखिए, अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं सृष्टि के लिए क्या लाई हूँ। सृष्टि के लिए कोई भी टी शर्ट नहीं लानी थी क्योंकि टी शर्ट तो उसके पास ऑलरेडी बहुत सारी थी, और लोअर जो उसके लाई हूँ वो इसलिए लाई हूँ क्योंकि जो उसकी हाइट ना काफ़ी ज़्यादा होती जा रही है, मतलब जल्दी जल्दी बढ़ रही है वो, तो उसके जो लोअर हैं वो सब छोटे हो गए हैं और अब उसके लिए नए लाने थे कॉटन के, तो मैं कॉटन के लाई हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो ये दो देखिए, ये देखिए सबसे पहले तो दो कैप्री लेके आई हूँ। देखिए ये कैप्री है और बहुत ही अच्छी है, कल्ट फैशन की है ये और बहुत अच्छी है ये। ये एक का जो प्राइस है वो 424 है लेकिन ये ना डिस्काउंट में मिली मुझे, ये दो मैंने ली
425 का एक का रेट है, तो ये मुझे डिस्काउंट में मिली। ये उन्होंने बोला कि जैसे जॉकी होता है ना, जॉकी से भी अच्छा ब्रांड है ये, तो मतलब उन्होंने गारंटी के साथ दिया कि आप इसको बस सिर्फ धूप में मत सुखाना, और अगर इसको ये कुछ भी हो जाए, इसका प्रिंट उतर जाए या कुछ लास्टिक ढीला हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो ये वापस हो जाएगी, आपको इसकी जगह दूसरी मिल जाएगी। तो ये दोनों मुझे कलर बहुत अच्छे लगे, ये ब्लू में है, ब्लू और स्काई का थोड़ा मिक्सचर है, और ये पिंक और थोड़ा सा पीच का मिक्सचर है, तो ये दोनों बहुत अच्छी लगी। और ये दोनों मुझे पड़ गई थी 750 की, ये दोनों पड़ी थी और बहुत ही अच्छी है, कैप्री है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं सृष्टि के लिए क्या लेके आई हूँ। मतलब देखिए, कैप्री तो मैंने आपको दिखा दी, उसके अलावा जो मैं उसके लिए लोअर लेके आई हूँ वह मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये दोनों तो हो गई उसकी कैप्री, और लोअर जो है देखिए, ये मैं चार लोअर लाई थी और एक जो है वो उसने पहन लिया है, तो ये प्योर कॉटन में है। और दिखाती हूँ मैं, देखिए एक ये है लाइट शेड, वाइट पे है, थोड़ा सा मतलब पिंकिश और थोड़ा पर्पल वगैरह सब कलर का इस पर प्रिंट है, और ये बहुत अच्छा है, लॉन्ग मतलब फुल लेंथ में है ये, देखिए, और अच्छा है, थोड़ा सा लूज वूज रहेगा, अच्छा रहेगा, गर्मियाँ हैं, प्योर कॉटन है, अच्छा लगेगा। एक ये हो गया, और एक ये रेड कलर का है, ये रेड में हो गया, इस पर कुछ स्ट्रॉबेरी टाइप का कुछ बना हुआ है, ये भी फुल लेंथ में है, और एक ये हो गया, ये भी प्योर कॉटन है, और एक हो गया ये स्काई कलर का, तो ये भी बहुत अच्छा कलर है। और इस पर देखिए, ये कुछ सनफ्लावर और फिशेज बनी हुई है, और ये भी बहुत अच्छा है, फुल लेंथ में है, प्योर, सबसे अच्छी बात है इसका स्टफ जो है बहुत अच्छा है, प्योर कॉटन है, तो ये मुझे बहुत अच्छे लगे, और समर्स में ऐसे ही अच्छे लगते हैं कपड़े। तो ये हो गई सृष्टि की शॉपिंग, ठीक है, तो ये सृष्टि की शॉपिंग हो गई। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अपने लिए क्या लाई हूँ, मैं अपने लिए सिर्फ एक क्लिक कराई हूँ। ये देखिए, मैं लाई हूँ कुछ इस तरीके का ये लोअर टी शर्ट, मतलब नाइट सूट टाइप में हो गया, और दिन में ही पहनना होता है, गर्मियाँ मतलब ये कि मैं भी नहा कर सीधा यही ऐसे ही पहन लेती हूँ, लोअर टी शर्ट वगैरह ही पहनती हूँ। तो ये देखिए, तो ये वाला कलर लेके आई मैं, क्योंकि लाइट शेड है, अच्छा लग रहा है। ये है टी शर्ट, और इसके साथ में है ये ब्लैक कलर के लोअर, और पॉकेट वाला है, अच्छा है ये स्टफ, पॉकेट में भी इसके देखिए चेन लगी हुई है, बढ़िया है क्वालिटी इसकी। और ये वाला, सॉरी, ये वाला जो है ये मुझे मिला था 724 का है, ये मुझे 650 का दिया था उन्होंने, और ये भी बहुत अच्छा है, इसकी भी गारंटी है, ये भी गारंटी पर है, बहुत बढ़िया है इसका स्टफ, और ये भी अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो ये भी मेरा चेंज हो जाएगा, तो इसलिए मैंने ले लिया, ये भी अच्छा है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ हस्बैंड के लिए मैं क्या लेकर आई हूँ। हस्बैंड के लिए एक तो ये वाला लोअर लेके आई हूँ, देखिए ये वाला लोअर लेके आई हूँ, और ये भी, ये है FTX कुछ करके, कुछ मालूम नहीं क्या है ये, 699 है इसका, लाइट चली गई है, तो इसका जो प्राइस है वो है 699, और ये मुझे फुल प्राइस में ही मिला है। और ये देखिए, ये कॉटन में है, बिल्कुल प्योर कॉटन जो होता है वो चीज़ है, और इसमें जिप लगी हुई है पॉकेट में दोनों साइड, और ये अच्छा है, स्टफ अच्छा है इसका, और काफ़ी अच्छी लेंथ है ये, बहुत बढ़िया है। और एक जो लेकर आई हूँ, एक लेकर आई हूँ ये वाला, और ये देखिए लाइट थोड़ी सी नहीं है तो आपको शायद कलर नहीं समझ में आएगा, एक ये वाला लेके आई हूँ, और ये ऐसे कुछ लाइनिंग सी है, और ये भी बहुत अच्छा स्टफ है, आधी लाइट ये भी बहुत अच्छा स्टफ है, और इसका भी कुछ ऐसा सही है, देखिए ये है 629 का है, लेकिन मतलब ये गारंटी वाली चीज़ है, तो फिर मेरे को लगा नहीं कि महंगा है, ठीक ठीक लगा मुझे। और ये भी, ये मतलब जो मैं कपड़े लेकर आई हूँ ये सब मतलब उसमें लेकर आई हूँ कि अगर इसमें कुछ भी कमी निकलती है, कलर फेड होता है या लास्टिक में कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ भी कपड़े में कुछ होता है, तो ये सब चेंज हो जाएगा, तो इसलिए मुझे ये अच्छा लगा। तो बेस्ट है, सबसे अच्छी चीज़ है, बढ़िया लो और ऐसी चीज़ लो कि हाँ मतलब ये कि चेंज हो जाए, तो इसलिए मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा, ये आ गया। तो ये हो गए हस्बैंड के, हस्बैंड के लिए एक टी शर्ट लेकर आई थी, लेकिन वो क्या मतलब ना, वो मैंने ना लाई थी तो पावनी ने उसके ऊपर थोड़ा सा ना दही गिरा दिया था, तो वो मैंने उसको पानी में डाल के रखा हुआ है उसका, ताकि हट जाए। और मैं टेलर के पास गई थी अपना, मैंने सूट सिलने के लिए दिया था, दो दिए थे लेकिन एक अभी सिला नहीं है, और एक जो सिल गया है वो मैं लेके आई हूँ, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि आप फैमिली है तो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है।
तो ये देखिए, ये मैं लेकर आई हूँ, मतलब मैंने स्टफ़ लिया था, ये स्टफ़ लिया था और ये मैंने सिलवाया है सूट। ये देखिए कुछ ये वाला कलर है, मुझे ये कलर बहुत अच्छा लगता है। एक तो गर्मियों में लाइट लाइट कलर अच्छे लगते हैं, ये कलर है। और मैंने देखिए स्लीव्स पे ये कुछ ऐसी तरीके का डिज़ाइन बनवाया है, और बाकी तो खैर सिंपल ही बनवाया है। ये सूट है और अस्तर लगा है इसके अंदर, क्योंकि इसका कपड़ा थोड़ा सा पतले में था, तो मुझे ये ना इसके ऊपर देखिए कुछ इस तरीके से बूटियाँ बनी हुई हैं, बहुत ही प्यारी सी लग रही हैं ये बूटियाँ, अच्छा लग रहा है। और इसके साथ मैंने पैंट बनवाई है, ये देखिए मैंने इसके साथ पैंट बनवाई है, और पॉकेट भी बनवाई है, पॉकेट लगवाई है इसमें। पॉकेट तो मैं हर उसमें पैंट हो या प्लाजो हो हर चीज़ में पॉकेट ज़रूर लगाती हूँ, मतलब ये ऑल ओवर एक ही स्टफ़ का है, पूरा सूट एक ही स्टफ़ का है। और उसके साथ मैं प्योर का दुपट्टा ले लूँगी, तो गर्मियों के लिए बहुत बढ़िया सूट है। तो मैंने सोचा चलो आपके साथ ये भी शेयर करती हूँ। तो ये हो गए मेरी आज की शॉपिंग, तो आप लोगों को कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। और मैं इससे आगे कुछ नहीं बनाऊँगी ब्लॉग, क्योंकि फिर वीडियो लंबा हो जाता है, आप लोग देखते नहीं हो, आपको पास फिर आप स्किप कर देते हो तो मज़ा नहीं आता। तो मैं नहीं चाहती कि मेरी वीडियो आप स्किप करो, तो प्लीज़ आप मेरी शॉपिंग ज़रूर देखिएगा कि मैंने क्या लिया है। बहुत ज़्यादा वैसी हाईफाई चीज़ें नहीं ली, लेकिन यह है कि गर्मियों के मतलब कि सिंपल सिंपल चीज़ें ली हैं, तो सब कुछ शेयर करना ज़रूरी बनता है मेरा। तो चलिए मैं चलती हूँ, आपको मिलती हूँ मैं आप नेक्स्ट ब्लॉग में अपने। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, और हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर जो भी न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो आपको जो मेरे नोटिफिकेशन है मिलते रहेंगे जो भी न्यू वीडियो मैं डालूंगी। अच्छी लगती हो तो प्लीज़ कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड, मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।